नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा से स्वागत है। हम तीन वीडियो पहले बना चुके हैं अपनी काम और समय के टॉपिक के ऊपर, और अब जो आगे वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब जो टाइप हैं वो थोड़े से हाई लेवल के टाइप होंगी, तो आपको ये मत सोचना कि अब मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान बना के करेंगे उनको, और ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रत्येक के समझ में आएंगे, ये हमारी गारंटी। अब सुनो तो अच्छी सी बात, तो पीछे वीडियो थी उसमें मैंने देखा था एक कमेंट किया था एक भाई ने, उसने बोला था कि इंग्लिश में लिख दिया तो इंग्लिश वाले तो मेरे समझ में आती नहीं है। फिर वो इंग्लिश वाले टीचर थे, उनके पास पूछा क्या कह रहा है भाई मेरे को ये। उसने बताया कि उसने ये कहा है भाई आप थोड़े से मुस्कुराते रहा करो। तो उस दोस्त की बात अच्छी लगी, अब मुस्कुराना भी जरूरी है तो आप भी मुस्कुराते रहिए। वही बात उस गाने वाली, मुस्कुरा के कहो दिल और दिमाग से कहो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आता है या नहीं आता है, तो लाइक डिसलाइक कमेंट करके कहो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको कमेंट और लाइक में आपको बताना है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। आशा करता हूँ कि आप आगे इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी बात होगी वो उसमें कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे उस भाई ने बताया मुस्कुराने वाली बात, तो मुस्कुराता अब उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी सीरियस किसी बात को नहीं लेता हूँ, हमेशा अपना बिंदास मूड में रहता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भी मैं कभी उदास नहीं होता। तो अब अच्छी बात लगी उस भाई की, तो आप भी नोट करना, कभी कोई बात आ जाए तो उदास मत हुआ करो, हमेशा हंसते ही रहा करो। उस भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब अपना जो चैप्टर है कार्य और समय का, काम समय, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अपना दो टाइप हो गई है, उनका दोबारा से हमें रिवीजन करना नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके पास है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, उस चीज का सॉल्यूशन दोबारा से किया जाएगा। अब जो अपना आगे टाइप आएंगी ना, वो थोड़ी सी मतलब टाइप तो वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा, तो उसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो इसलिए आज पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं भाई हम, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तथा बी और सी मिलकर उस काम को, बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो आगे से, पहले इस पर ए ने लगातार 5 दिन तक कार्य किया। इसने क्या कहा है, ए ने लगातार 5 दिन तक कार्य किया। लिख दिया भाई ए ने 5 दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा तथा फिर बी ने इसके ऊपर 7 दिन तक कार्य किया। बी ने 7 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन तक कार्य किया। फिर उसने कहा शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। अब सी ने क्या किया, उसको शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो उसने कहा बताओ सी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। उसने क्या कहा भाई, सी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ये बात पूछी है। बड़ी आसान बात है, इसमें पजल नहीं होना कि ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। देखो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहले चलो वो बाद में बना लेना, उससे पहले एक बात समझो छोटी सी। उसने कहा ए ने 5 दिन काम किया, बी ने किया, सी ने किया। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें ए की, बी की और सी की कार्य क्षमता तो नहीं दी गई, इनकी तो दोनों की साथ में दी गई है, अब क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में दी गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग दी गई है तो और भी अच्छी बात थी। अलग अलग हम इसमें से निकाल नहीं सकते, तो हम इसमें निकाल भी सकते हैं और अब निकालेंगे आपके सामने। देखो क्या करना आपको, जैसे ये क्वेश्चन है आपका,
यहां से यहां तक आपको काम करते हुए जाना है। अब ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है भाई, ए ने काम किया कितने दिन तक है? 5 दिन तक। लेकिन फिर उसने कहा बी ने 7 दिन कार्य किया, तो बी उसके बाद आएगा। तो हमने क्या किया, बी से रिक्वेस्ट की कि आपने तो 7 दिन काम करना है, तो आप एक काम कीजिए, आप 5 दिन ए के साथ काम कर लीजिए। तो बी हमारी बात से मान गया, अब उसने 5 दिन तक ए के साथ मिलकर काम किए। तो क्या हो गया, ए और बी ने 5 दिन तक कार्य किया, तो ये अपनी बात कंप्लीट हो गई। ए ने 5 दिन कार्य किया, उसका काम अपना हो चुका है। फिर बी बच गया था, बी ने तो 7 दिन तक कार्य करना था ना, तो बी अब यहां पे चलेगा। उसने कहा था भाई मैं 5 दिन तेरे साथ कर रहा हूं, 2 दिन और भी काम करूंगा, तो 2 दिन और काम करेगा। तो उसने 2 दिन के लिए क्या क्या सी को बोल दिया कि भाई तू 13 दिन तक काम करेगा, तो 2 दिन मेरे साथ काम कर ले। तो सी ने उसकी बात मान ली, तो उसने क्या किया, 2 दिन बी के साथ काम कर लिया। फिर उसने कहा सी ने 13 दिन में कार्य समाप्त कर दिया, तो सी 13 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है ना, तो यहां देखो सी 2 दिन तो बी के साथ काम कर चुका है, अब सी 11 दिन और अकेला काम करेगा और वो कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब बिल्कुल आसान बन गया आपका क्वेश्चन ये, अब यहीं से कर दो। 12 16 एलसीएम कितना आ गया आपका 48, 48/12 करेंगे कितना आएगा 4, 48/16 करेंगे कितना आएगा 3। ये आ गई उनकी कार्य क्षमता, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 5 इकाई काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे, तो 5 × 4 कितना काम हो गया उनका, 20 इकाई काम उन्होंने कर दिया। अब यहां देखो बी और सी हैं, वो क्या कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करेंगे, और बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 इकाई काम करते हैं, तो 2 × 3 6 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। कि 20 इकाई काम ये है और 6 इकाई काम ये है, तो 20 और 6 कितना हो गया आपका 26 इकाई काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुल काम कितना था आपका 48 इकाई। तो यहाँ पे जो शेष बच गया वो कितना बच गया आपका 48 − 26 यानी कि 22 यूनिट काम कौन करेगा, 22 यूनिट काम सी अकेला करेगा, और सी कितने दिन में करेगा 11 दिन में करेगा। अब आप सोच रहे हो नहीं सी ने तो 13 दिन के लिए कहा था, लेकिन 2 दिन सी यहाँ पे काम कर चुका है, ठीक है। अब सी ने 2 दिन यहाँ इसके साथ काम कर लिया है, अब यहाँ पे कितना आपका 11 दिन है, तो क्या करेंगे इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 2, यानी कि सी की ये आ गई कार्य क्षमता, सी अकेले की कार्य क्षमता। अकेले की कार्य क्षमता क्यों आई है, यहां से देखो ध्यान से, ये 22 यूनिट काम सी ने 11 दिन में किया है, तो इसका मतलब 22 यूनिट काम 11 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में 2 इकाई काम कर रहा है, और वो 2 इकाई काम कौन कर रहा है, सी है। ये आ गई आपकी सी की कार्य क्षमता 2 इकाई प्रतिदिन। अगर वो यहां से पूछ सकता है ए अकेला काम कितने समय में करेगा, बी अकेला काम कितने समय में करेगा, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहले तो ये कर लेते हैं, तो सी के द्वारा लिया गया कुल समय, यानी कि जो क्वेश्चन कहा था ना उसने सी अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा, तो सी का समय निकाल देते हैं भाई, सी का समय कुल कितना आएगा, कुल काम कितना आपका 48, 1 दिन में कितना करता है 2, तो कितना समय में समाप्त कर देगा 24 दिन में, सी अकेला उस काम को समाप्त कर देगा, ये आ गया आपका आंसर। दूसरी बात थोड़ा और मुश्किल बनाना उसको, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ए जमा बी, बी जमा सी, ये दिया गया है, सी का निकाल चुके हैं, वो पूछ ले बी अकेला काम कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी अकेले के लिए क्या करेंगे, बी जमा सी है, इसमें से हम सी की कार्य क्षमता निकाल देंगे, यानी 3 में से 2 निकालेंगे, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1, तो बी अकेला करेगा 48 दिन में। अगर पूछ ले ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो फिर क्या करेंगे हम, ए जमा बी है, उसमें से बी की निकाली थी हमने 1 आ गई थी, वो 1 इसमें से घटा देंगे, तो ए की अकेले की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3 इकाई अकेले की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो उसके अनुसार ए अकेला काम कितने समय में करेगा 48/3 16 दिन में ए अकेला काम समाप्त कर देगा। तो ये ही पूछ सकता है इसमें, और कोई ज्यादा पूछ नहीं सकता, ये बात एक बार फिर से बता देता हूं। ए ने 5 दिन कार्य किया था, ठीक है, बी ने 7 दिन कार्य किया था, ठीक है, सी ने 13 दिन,
अलग अलग कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है एक साथ, तो एक साथ करवा लेंगे। ए पांच दिन कर रहा है तो ए पांच दिन इसके साथ बी को लगा देंगे पांच दिन तक, तो ए और बी का पांच दिन। बी कर रहा है सात दिन, पांच दिन यहाँ कर चुका है तो दो दिन और करेगा, दो दिन इसके साथ सी को ले लेंगे, बी जमा सी का आ गया आपका दो। उसके बाद में सी तेरह दिन कर रहा है, दो दिन यहाँ कर चुका है तो शेष काम को करेगा ग्यारह दिन में, पांच दिन का बीस, दो दिन का छह, छब्बीस हो गया कुल, अड़तालीस में से छब्बीस घटा देंगे बाईस बच गया। उसके बाद में हमने क्या किया, जो आपका आ गया था बाईस उसको हमने दो से काट दिया, क्यों सॉरी ग्यारह से काट दिया तो आ गया आपका दो, वो दो क्या आपका कार्य क्षमता है सी की, तो सी कुल काम अड़तालीस बटे दो चौबीस दिन में समाप्त कर देगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और बाकी बात अपना तरीका है वो अपना अपने आप आसान बना लेगा इसको। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इसी प्रकार करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कर लेंगे, इसी तरीके से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या आगे भी नहीं आएगी, पूरा मैथ इसी प्रकार करेंगे हम, चिंता की कोई खास बात है नहीं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैथ से तो बिल्कुल नहीं घबराना, इससे आसान चीज कुछ भी नहीं है। अपना जो पेपर होता है ना तो उसमें एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर 50 नंबर का मैथ है तो 50 नंबर लेने के इच्छुक हो और लेते भी हैं। एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें भी होता है ऐसा ही काम, तो मैथ और इंग्लिश सबसे वीक पॉइंट होते हैं लेकिन ये सबसे आसान चीज होती है, और कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें बहुत दिक्कत आती है भाई पूरे के पूरे नंबर लेने। चलो इसी तरह का एक क्वेश्चन वो करते हैं, थोड़ा सा अलग है बस लेकिन है इसी टाइप का। देखो क्या है, उसने कहा ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, अलग अलग कार्य को कर रहे हैं भाई वे। ए 20 दिन में और बी 15 दिन में, ए तथा बी इसी कार्य को 20 तथा 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। देखो कितना तेज बन रहा है जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसने क्या किया है ए तथा बी 20 तथा 15 लिख दिया, और हम कई बार इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, हम सोच लेते हैं 15 पहले आया होगा 20 बाद में आया होगा, ए का कर देते हैं 15 और बी का कर देते हैं 20, वहीं पर अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वो ऑप्शन में ही मिलता है, वो 15 और 20 पलट के वो आंसर बना के ऑप्शन में देता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, बड़ी ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो। फिर उसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, दोनों ने मिलकर ए जमा बी ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, ए जमा बी ने दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्यभार संभाल लेता है। ए और बी ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, फिर बी के स्थान पर सी कार्यभार संभाल लेता है तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, तो बताओ सी अकेला काम को कितने समय में समाप्त कर देता है, तो बताओ सी अकेला काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है, यानी कि पूरा कार्य सी के पास करवाना है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर देगा, ये बात पूछ रहा है वो। तो चलो कर लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं, बहुत आसान है। देखो क्या करना आपको, सबसे पहले दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका 60, 60 बटा 20 कितना आ गया आपका 3, 60 बटा 15 कितना आ गया आपका 4, यहां तक हम कर चुके हैं इसको। अब देखो ए जमा बी ने 6 दिन तक कार्य किया, ठीक है भाई, ए जमा बी ने 6 दिन तक कार्य किया, इतना काम कर दिया उसने, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, ए जमा बी ने 6 दिन तक कार्य किया है, ए जमा बी का कार्य क्षमता कितने है भाई, ए जमा बी की कार्य क्षमता एक दिन की 3 और 4 7 इकाई है, 7 इकाई क्यों है, क्योंकि 3 तो ए कर रहा है और 4 बी कर रहा है, तो कितना होगा आपका 7 गुणा 6, 42 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब आगे क्या करना आपको, उसने कहा है उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया। अब सी आ गया भाई अलग से, उस वो क्या कर रहा है, बी के स्थान पर सी आ गया, यानी कि ए जमा सी करेंगे इस काम को। कौन करेगा? ए जमा सी, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ए जमा सी काम करेंगे। तो यहां पे आ गया ए जमा सी, और उन्होंने कितने दिन काम किया? चार दिन तक काम किया और उस काम को समाप्त कर दिया चार दिन में। यहां से लेकर यहां तक कितना काम था? कुल 60। 60 में से ये काम कितना कंप्लीट हो चुका है? 42। ये कितना बच गया भाई? 60 माइनस 42 कितना गया आपका? 18 इकाई काम बच गया भाई आपका। कितना बच गया? 18 इकाई काम बाकी है। अब ये 18 इकाई काम है ना, ये ए और सी करेंगे, और कितने दिन में करेंगे? चार दिन में। तो हम क्या करेंगे? 18 बटे 4 करेंगे, 2 से काटा 9, 2 से काटा 2, 4.5। ये क्या आ गई? ए जमा सी की कार्य क्षमता आ गई भाई। कार्य क्षमता क्यों आई? क्योंकि इसने कहा है ए और सी चार दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और 18 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन का निकाल लिया 18 बटे 4, 4.5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं वो, तो एक दिन में 4.5 यूनिट करें ना, तो सी की निकाल लेंगे। दोनों ने मिलकर 4.5 यूनिट काम किया है, इसमें से यदि ए का घटा दूं तो किसका बचेगा? सी अकेले का बच जाएगा। तो मैंने घटा दिया इसमें से 3, कितना बच गया? 1.5। ये किसकी कार्य क्षमता? आपकी सी की कार्य क्षमता है। अब यहां से ध्यान से देखो, सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1.5 आ गई। अब कुल काम कितना आपका? 60। और करवाना क्या है? सी के पास काम करवाना है। तो सी का कुल समय कितना आ जाएगा आपका? 60 बटे 1.5। कटाएंगे ऊपर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 15 से काट देंगे 4, 10 × 4 कितना आ गया आपका? 40 दिन। यानी कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा? सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक बार आराम से पढ़ लिया करो भाई। मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो 15 और 20 है ना, इसमें पजल मत होना कि पहले 15 आता है 15 मान लेते ना, उसने पहले 20 कहा है तो 20 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका आदेश तो हमें मानना ही है, वही तो अपनी परीक्षा लेगा, उसकी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। और छोटी सी गलती में एक नंबर चला जाएगा और फिर सोचेंगे अरे यार ये रह गया था बस इतना सा काम था। तो जब भी क्वेश्चन होता है ना, जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट हो, उसी टाइम आप कमेंट करके बता दिया करो भाई इसमें दिक्कत थी, इसको एक बार दोबारा चैप्टर खत्म होने के बाद में क्या होगा, आपकी एक वीडियो बनाई जाएगी आपके सारे कमेंट देख के, भाई इस तरह के क्वेश्चन और करवाने चाहिए थे, ये क्वेश्चन दोबारा करवाना चाहिए, तो वो सारी चीज आपको बता दी जाएंगी, आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, ताकि आगे का भी देखें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताते वक्त हमें दिक्कत ना आए कि ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, उसमें आपका अच्छा रहेगा, हमारा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक बंदा है, फिर एक बंदा और है, फिर एक बंदा और है, अलग अलग टाइप से चलते हैं वो। तो इसमें तो क्या था, ए बी सी चल रहे थे, अब उसमें करेगा भाई ए मान लेगा, 2 भी मान लेगा, 3 सी मान लेगा, या फिर कहेगा आदमी है, लड़का है, औरत है, कुछ भी कह सकता है वो, क्योंकि क्वेश्चन बना रहा है वो, तो उसे पजल होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो एक करते हैं क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है। उसने कहा एक आदमी, आदमी को ए से लिखता हूं ठीक है, अथवा 2 बच्चे, ध्यान से सुनना, एक आदमी अथवा 2 बच्चे, 2 बच्चे कह रहा हूं मैं, और साथ में मैंने अथवा लगाया, बच्चे को मैंने बी से लिख दिया, और 3 औरत, औरत को भाई सी से लिख रहा हूं, आप डब्ल्यू से लिखो, इसको एम से लिखो, इसको सी से लिखो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं 1 A 2 B 3 C, इस तरह से एक आदमी अथवा 2 बच्चे अथवा 3 औरत किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
तो बताओ एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, इसको एबीसी बना लो बस, और कुछ नहीं इसमें। देखो क्या करना आपको, यहां से एक ए का मतलब ए अकेला काम कितने दिन में कर रहा है, 55 दिन में। बी का बनाएंगे, अब दो बच्चे हैं वो काम को 55 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला बच्चा कितना करेगा, 55 गुणा में 2, 110। तीन औरत इस काम को 55 दिन में कर रही हैं, तो अकेली औरत कितने दिन में करेगी, 55 गुणा 3, 50 गुणा 3, 150, 5 या 15 जोड़ेंगे तो 165 आ गया आपका। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे ना, तो इसको भाग करेंगे इससे, इससे भाग नहीं जा रहा ना, तो हमने इसका डबल किया 330, इससे चला जाएगा 11 33, इससे करेंगे इससे भी चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 330। कार्य क्षमता निकालो अलग अलग, 330 बटे 55 करेंगे कितना आएगा 6, 330 बटे 110 करेंगे कितना आएगा आपका 3, 330 बटे 165 करेंगे कितना आएगा आपका 2। कर चुके हैं हम इसको आसानी से। अब देखो उसने कहा एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलकर काम कितने समय में करेंगे, इनकी कार्य क्षमता दी गई है, इसको जोड़ लेंगे 6, 3, 9 और 2, 11। एक दिन में कितना काम करें तीनों मिलकर, 11 इकाई, कुल काम कितना आपका 330 निकाल दो, कुल समय, तो कुल समय निकाला हमने 6, 3, 9 और 2, 11, एक दिन का है, 330 काम आपका कुल है, बटे 11 करेंगे 11 3 33 और 0 30 दिन, ये आ गया भाई आंसर आपका 30 दिन का आ गया होगा समझ में, आराम से मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तो सुनो, अब हम बार बार कर रहे हैं 330 काम, उसका 11 काम, उसका 15 काम, उसका 17 काम, उसका 3 काम एक दिन का, 2 काम, तो काम तो आपका एक ही होता है, काम आपका एक ही होता है, ये क्या है 330 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, जो भी है ये इकाई है भाई, इस चीज का ध्यान रखा करो, काम आपका एक ही होता है ये तो, और बाकी तो क्या है आपकी इकाई है, तो इसमें ये मत सोचा करो कि ऐसा कैसा काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपका दिया गया है वो सही है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं आगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसने कहा 20 औरत एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है, 20 औरत एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है, उसने कहा 20 औरत कर सकती है एक कार्य को 16 दिन में समाप्त, इस कार्य को 16 आदमी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इस कार्य को 16 आदमी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये तो औरत है और ये क्या आपके आदमी, इस बार औरत को ए लिख दिया, आदमी को बी लिख दिया, आप मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एम मानते हो, डब्ल्यू मानते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आसान लगे वो मान लिया करो। अब देखो फिर उसने कहा है एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, यह बात पूछ ली उसने, देख लिया उसने क्या किया, अब देख लेते हैं क्या है, उसने कहा 20 आदमी इसी काम को 16 दिन में, सॉरी 20 औरत एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो यहां तो आ गया आपका औरत और यहां आ गया आपका आदमी। अब हम क्वेश्चन को हिसाब से करेंगे, हमें वो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 20 गुणा 16, 16 गुणा 15 करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो आ जाएगा, उससे भी थोड़ा जल्दी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं है उसने, बेवकूफ बना रहा है हमें, वो पूछा है थोड़ा गलत करवाने के लिए कर रहा है कोशिश से, वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अब ये देखो, अब ये है आपका समय, 20 औरत 16 दिन में करती है, 20 औरत 16 दिन में, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, 20 गुणा में 16, आदमी 16 आदमी 15 दिन में, तो एक आदमी 16 गुणा में 15, ये है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, लेकिन उसने कहा कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे इसको काट लेते हैं, हम इसको
16 से 16 कट गया, 5 से काट दिया 3 और 5 से काट दिया 4, तो ये आ गया उनके समय का अनुपात। जो शुरुआत में मैंने बताया था ना, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये आपका समय का अनुपात है 4:3। तो अब हम निकालेंगे कार्य क्षमता का अनुपात, क्या करेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा आपका समय के बिल्कुल विपरीत, तो 3:4। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3:4, यही होगा आंसर ना, ये नहीं होगा, गलत बात। थोड़ा सोचो, आप भी सोचो, उसने क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है तो इतना थोड़ी कि बिल्कुल आसानी दे देगा आपको, उसने उलझाया आपको, उसने क्या कहा लास्ट में, पहले तो उसने औरत कह दी थी, फिर उसने आदमी कह दिए थे, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको ये बात, तो अब उसने तेज बन गया वो, उसने कहा एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता, अब आदमी की कार्य क्षमता पहले पूछ रहा है और औरत की कार्य क्षमता बाद में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, एक आदमी आदमी की 4 और एक औरत औरत की 3, तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा आपका, 4:3, आंसर आपका 4:3। तो इस चीज का ध्यान रखना, उसने पहले तो क्वेश्चन में औरत दी थी, लेकिन आंसर पूछते वक्त उसने जो क्वेश्चन पुट किया ना, उसमें पहले क्या किया, आदमी का नाम ले दिया, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट समझनी आपको, स्टेटमेंट समझोगे ना तो ये मैथ कुछ नहीं है, फिर सारा खेल स्टेटमेंट का ही होता है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या उसने दिया है, क्या वो बता रहा है। तो अब देखो भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो क्वेश्चन है आपका, चलो बताता हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन आता आप उसमें पहले से ये मत सोचा करो कि ये तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ना आएगा, एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ते ही क्वेश्चन आ जाता आपका दिमाग में आएगा कि हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, 100 बात सोचोगे ना तो उसमें से एक आपकी बिल्कुल सही मिलेगी। चलो देखो आगे क्वेश्चन आपका, इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, 10 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, 10 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, 10 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, जबकि 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख दिया उसने, हो गया अपना जो उसने कहा वो हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे ना, तो उसने क्या कहा है, तो 6 औरत और 3 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 औरत प्लस 3 बच्चे उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, ये बात उसने कह दी, 6 औरत और 3 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे, वो 6 औरत है, 5 औरत है, 4 औरत है, 2 है, जो भी कहता है वो कोई दिक्कत नहीं, एक औरत एक बच्चा मिलकर कितने समय में करेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक तरीका है और वो अपना कारगर है, उसी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 10 औरत 8 दिन में, तो एक औरत का निकाल लेते हैं, अब 10 औरत 8 दिन में करिए ना, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, 80 दिन में करेगी, ठीक है, 10 बच्चे 12 दिन में, इसको भी मान लेते हैं, तो 10 बच्चे 12 दिन में है, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, 120 दिन में कार्य समाप्त करेगा, हो गया आपका आंसर, ये नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है, खत्म करना बाकी है, कर देते हैं। ए है किसी काम को 80 दिन में कर रहा है, बी है उस काम को 120 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 240/80, 3, 240/120, 2, ये आ गई आपकी कार्य क्षमता। अब उसने कहा था 6 औरत प्लस 3 बच्चे, यानी 6 ए प्लस 3 बी उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, आ गया आंसर, मेरे हिसाब से आप निकाल के बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी,
फिर भी कोई एक आध बच्चा बच गया है वो देख लो, छह औरत जमा तीन भी, यानी तीन बच्चे। अब एक औरत एक दिन में तीन इकाई काम करती है, तो यहाँ पे छह औरत कितना करेंगी, छह गुणा में तीन। अब उसने क्या कहा, तीन बच्चे भी साथ काम करेंगे। अब एक बच्चा एक दिन में दो इकाई काम करता है, तो तीन बच्चे कितना करेंगे, दो गुणा में तीन। तो छह तिया अठारह, दो तिया छह, जोड़ दिया हमने कितना आ गया आपका, चौबीस इकाई काम कंप्लीट हो गया एक दिन में। कुल काम कितना आपका 240, हमें निकालना था समय, तो समय निकाल दो 240 भाग में 24, यानी कि 10 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने समय में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में आपका कार्य समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको मेरे हिसाब से। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं, आपको आराम से करेंगे, कुछ भी हो हमारे पास अपना जो तरीका है उसी से कर लेंगे, हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो तो भाई आगे चलते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें थोड़ा सा वो कह देता इतने दिन तक काम कर लिया वो चले गए वो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कह देता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है तो सिर्फ एक बात से कि हम जो कर रहे हैं उसमें अपना शुरुआत में जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या लिखा गया है उसी से चलेंगे। तो क्या है आपका क्वेश्चन है वो देख लो, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है आपका, 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 औरत इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है। 20 औरत इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती है। उसने कहा इस पर 12 आदमी तथा 10 औरत, 12 आदमी और 10 औरत लगातार 6 दिन तक कार्य करते हैं, लगातार 6 दिन तक कार्य करते हैं। कौन कर रहे हैं, 20 आदमी और 10 औरत लगातार 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं। फिर उसने कह दिया शेष कार्य को 10 औरत कितने समय में समाप्त करेंगी, शेष कार्य किसके पास करवाना है, 10 औरत कितने समय में समाप्त करेंगी, ये बात उसने पूछ ली है भैया। ठीक है, तो अब देख लो भाई कितने समय में समाप्त करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हम लिख लेंगे। आदमी को ए मान लो, औरत को बी मान लो, ठीक है। 16 आदमी 8 दिन में, एक आदमी कितने दिन में, 128 दिन में, 20 औरत 16 दिन में, तो 16 गुणा 20 करेंगे तो 320 दिन में आ गया आपका। एलसीएम निकाल लो, 320 को इससे भाग देंगे नहीं जाएगा, 320 गुणा में दो करते हैं 640, 100 गुणा में 5 500, 28 गुणा में 5 140, 500 जमा 140 640 मतलब भाग हो गया आपका, तो ये कितना आ गया 640। तो अब यहां से देखो 128 इसको भाग करेंगे, 640 बटे 128 कितना आएगा आपका 5, 640 बटे 320 कितना आएगा आपका 2 आ गया आपका। वही उसने कहा 12 आदमी और 10 औरत लगातार 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 12 आदमी 12 ए और जमा 10 औरत तो 10 बी और काम करते कितने दिन तक, 6 दिन तक। इनका एक दिन का निकाल लो, 6 से गुणा कर दो। अब एक आदमी है वो 5 इकाई काम करता है एक दिन में, तो 12 कितने दिन में करेंगे, 12 कितना काम करेंगे, 12 गुणा 5 प्लस 10 औरत है, एक औरत कितना करती है 2, तो 10 कितना करेंगे, 10 गुणा 2 6 दिन तक कार्य करवाना है आपको। तो देखो 12 गुणा 5 60 प्लस 10 दूनी 20 और कितने दिन तक, 6 दिन तक चल रहा आपका, तो 60 और 20 80 गुणा में 6 480 इकाई काम कर चुके, 480 इकाई काम हम कर चुके हैं। शेष कार्य देख लो भाई, शेष कार्य कुल कार्य कितना था आपका 640 और माइनस में 480,
घटा दो भाई इसको, कितना बच जाएगा 160, यानी 160 इकाई काम और बच गया। अब 160 इकाई काम करवाना किसके पास है, 160 इकाई काम करवाना है भाई हमें 10 औरतों के पास शेष कार्य। तो शेष समय 10 औरतों का कार्य कितना था आपका 20, क्यों, क्योंकि एक औरत दो है तो 10 कितना करेंगे एक दिन में 20, एक दिन में 20 करेंगे, 160 बटे 20 आंसर आ गया आपका, 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ये आ गया भाई आपका आंसर। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस क्वेश्चन में भी। अगर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई इसमें दिक्कत रह गई थी, दोबारा से आपको ये करवाना है, करवा देंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो भाई, अब ये टाइप भी हो गई आपकी कंप्लीट, इसमें और ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन है आपको, बार बार वो एग्जाम में आ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, स्टेटमेंट नहीं बनती, कुछ कह देते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, सही है तो इसको एक्स से ही कर सकते हैं, एक्स के सिवा इसको हम कर नहीं सकते ना, गलत बात। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, आप नोट कर सकते हो, किसी न किसी बुक में मिल भी जाएगा आपको, वो क्वेश्चन सही है, बस उसमें क्या दिक्कत होती है, उसको लैंग्वेज को समझने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो आप चाहो तो उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को, क्या है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम छह दिन आदमी अकेला कार्य करे, अंतिम छह दिन आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछता है फिर लास्ट में, क्या पूछ लेता है भाई, तो बताओ आदमी अकेला कार्य कितने समय में समाप्त करेगा, या फिर वो पूछ सकता है कि लड़का अकेला कितने समय में कार्य समाप्त करेगा। तो देख लो क्या है, उसने कहा एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, अंतिम छह दिन ए अकेला कार्य करे, आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होता है, 26 दिन में समाप्त होता है। तो कहा उसने, बताओ ए अकेला कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं भाई ये अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। तो उसने कहा है ना, ए जमा बी कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। अब न तो अपने पास ए की एक दिन की कार्य क्षमता, न अपने पास बी की एक दिन की कार्य क्षमता, और न अपने पास ए और बी दोनों की कार्य क्षमता, तो करे तो क्या करे, कुछ नहीं करना, वही करना है जो ये कह रहा है। देखो ये आपका काम है, ए जमा बी इस काम को करेंगे, ए जमा बी इस काम को करेंगे, और इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 24 दिन में काम को कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने बीच में कंडीशन लगा दी, उसने क्या लगा दी, यदि अंतिम छह दिन कार्य करेंगे ना, तो यदि अंतिम छह दिन ए अकेला कार्य करेगा तो वो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो ऊपर तो ए और बी दोनों काम करेंगे, और नीचे वाली जो कंडीशन है उसमें जो लगा रहा है वो चला लेंगे। तो अंतिम छह दिन से पहले तो ए और बी दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने काम किया 20 दिन तक, यहां तक उनका काम कंप्लीट हो गया 20 दिन में। 20 दिन तक क्यों किया, क्योंकि अंतिम छह दिन ए अकेला काम कर रहा है, यानी कि ये काम ए अकेले ने किया यहां से लेकर यहां तक का 6 दिन में। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का तो दोनों ने मिलकर किया, हो गया ना आपका, ये यहां से यहां तक का दोनों ने मिलकर किया, ए जमा बी ने कितने दिन में किया, ये 20 दिन में, 20 और 6 26, जो उसने कहा था वो कंडीशन कर ली। अब इसके अनुसार पहले वाली बना लेंगे, यहां से यहां तक दोनों करें 20 दिन में, तो ऊपर भी दोनों करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन में।
अब इससे आगे ए और बी यहां से यहां तक अगर दोनों साथ करते ना तो 24 दिन का समय लगता, लेकिन यहां पे अकेला ए कर रहा है तो 26 दिन 6 दिन लग रहे हैं। तो दोनों करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ए जमा बी इस काम को कितने समय में कर लेगा, 4 दिन में। तो यहां से बनेगी अब अपनी बात यहां से, क्योंकि ये कार्य बराबर आपका, ये भी बराबर आपका, ए जमा बी कर रहा है, जमा बी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर कर रहे हैं। इसको उठा लो, अब इसको उठाएंगे क्या करेंगे, ए जमा बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है और यहां से ए अकेला उस कार्य को 6 दिन में करता है, तो अलसम कितना आएगा आपका 12, 12 बटे 4 कितना आ गया 3, 12 बटे 6 कितना आ गया आपका 2। कर लिया ना, आ गया अपना, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, कुछ भी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। अब देखो इसमें क्या कह रहा हूं, उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 इकाई काम कर रहे हैं, तो कुल कार्य निकाल लो, कुल कार्य। अब आप सोच रहे और भी तो 4 दिन में करे थे, नहीं 4 दिन का केवल ये काम था, हमें तो ये काम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से हमने लिखा कुल कार्य एक दिन का कितना आपका 3, और दोनों ने मिलकर कितने दिन किया था 24 दिन तक, तो 24 गुणा 3 कितना आ गया आपका 72 इकाई काम आपका कंप्लीट है भाई। कुल कार्य कितना आ गया आपका 72। करवाना किसके पास है, ए के पास या बी के पास, किसी के पास करवा लो। तो हमने लिखेंगे ए का कुल समय, यानी ए उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा 72 बटे 2, कितना आ गया 36 दिन। अगर पूछ ले बी अकेला यानी कि वो बच्चा है, वो लड़का है, वो उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो बी की कार्य क्षमता हम यहां से निकाल सकते हैं, ए और बी एक दिन में 3 इकाई काम कर रहे हैं, ए अकेला 2 कर रहा है, तो बी कितना करेगा 3 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ गया आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, बस ये बात समझने की थी इसमें ये जो लफड़ा है वो कहां से आता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ए और बी 26 दिन सॉरी दोनों 24 दिन में कर रहे हैं, यदि अंतिम 6 दिन ए कर रहे हैं तो 26 यानी 2 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो ए के पास लास्ट के 6 दिन काम करा लिया, उससे पहले का काम दोनों ने मिलकर साथ किया, तो ऊपर भी दोनों ने मिलकर इतना ही काम किया होगा 20 दिन में, ये भी 20 दिन है, आगे का काम ए अकेला 6 दिन में करता है, दोनों करते तो 4 दिन में। वहां से हम क्या होगा अपनी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, उससे क्या होता है आपका कार्य क्षमता निकालने के बाद कुल समय से गुणा करते हैं तो कुल कार्य आ जाता है, फिर जिसके पास करवाना है उसी की कार्य क्षमता से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ये देख लिया हुआ आपने, वो बताते हैं कि इतना मुश्किल है, गलत है, कुछ भी गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन है तो गलत क्यों है, मान लेते हैं एक आध बार मिसप्रिंट हो जाता है तो उसमें गलती हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, यह आंसर आपके सामने है, इसका पीछे एक दो बार पेपर में आया है, जिस किसी ने एग्जाम दिया हो वो देख सकता है इसको कि ये सही था या गलत था ऑप्शन मिला के, तो इसके आंसर थे आपके सामने। तो ये थे भाई आपके, अब एक टाइप और बजाती है इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़े से अलग क्वेश्चन आते हैं, उसमें अपने को तरीका लगाना ही नहीं कुछ भी, चलो वो बताएंगे आपको। ये पहले तो ये टाइप कर लेते हैं अपनी, ये टाइप है मान लो कांसमे का जो चैप्टर उसमें सबसे मुश्किल टाइप मान के चलते हैं इसको, कि भाई ये तो सबसे मुश्किल टाइप है, लेकिन ना बिल्कुल आसान टाइप है, ये चीज मैं बता देता हूं आपको। तो देखो इस तरह की टाइप है, उसको लिख लो भाई, आगे कभी काम आ जाएंगी, जो सीजल का एग्जाम होता है, सीपीओ का एग्जाम होता है, कोई भी मान लो मुश्किल, आजकल तो सारे बराबर एग्जाम है, किसी में कुछ दे सकते हैं, तो उसी हिसाब से करवा देते हैं भाई इसको भी, तो इस टाइप को कर ही लेते हैं। इसी वीडियो में करेंगे, 2 क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगली वीडियो में करवा देंगे आपको, ये जो टाइप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो में हम इस टाइप को करवाएंगे आपको। उससे पहले 2 आसान आसान क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है, एक दो बार आए हैं, कोई आर्मी का बच्चा है उसको पता होगा, उनके पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है उसमें भी आ जाते हैं, और आजकल तो आसान क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन है 12 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, 12 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन बाद 6 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, 6 दिन बाद 6 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं,
तो बताओ शेष कार्य कितने समय में समाप्त होगा, कितने समय में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 12 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, फिर उसने कहा 6 दिन बाद 6 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो बताओ शेष कार्य कितने समय में समाप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो 12 आदमी है 12 दिन तक, मान लो एक आदमी एक दिन में एक ईंट उठा के रखता है, एक आदमी एक दिन में एक ईंट उठा के रखता है, तो कुल समय निकाल लो। 12 आदमी है एक दिन में 12 रखेंगे, तो 12 दिन में कितनी रख दी, 144 ईंट उठा के रख दी। ईंट नहीं चॉकलेट, मान लो एक आदमी एक चॉकलेट खाता है, थोड़ा बहुत मुंह में पानी आना चाहिए आपको भी, खा लिया करो कभी एक आध चॉकलेट, काम आते हैं चॉकलेट भी। तो हमने क्या कर दिया, 12 × 12 कितना आ गया आपका 144, तो 144 चॉकलेट थी। फिर उसने कहा 6 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो ठीक है भाई, जब तक थे वहां तक, यानी कि किया गया कार्य खाई गई चॉकलेट कितनी है, 6 आदमी जा रहे हैं, लेकिन 6 दिन तक तो सारे के सारे थे, यानी 12 बंदे 6 दिन तक थे, तो कितनी खा ली उन्होंने, 72 चॉकलेट खा ली। तो शेष कार्य शेष चॉकलेट 144 − 72 कितना बच गया आपका, 72 चॉकलेट बाकी है अभी, वो भी खानी है, किसको खानी है, आपको ही खानी है। देखो शेष कार्य 72 है, तो अब करवाना है दो बंदे बच गए ना उन्हीं के पास करवाना है, तो 72 और बटे शेष कितने बंदे हैं, 6 दिन बाद 6 चले गए, 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, ये लो भाई 6 की मौज होगी, 12 धन और चॉकलेट मिलेंगे। यानी कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, देख लो भाई क्या क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था, तो देख लिया करो, इस तरह के जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो भी देख लिया करो, आ जाते हैं काम वो भी। आगे जो चैप्टर है, वैसे काम समय की बात की जाए ना तो आज ही कंप्लीट इसको कर सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन हमें क्या मतलब है काम समय के साथ में जो अटैच क्वेश्चन आते हैं ना मिश्र समानुपात के, उसमें भी काम समय के होते हैं, वो भी साथ में ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लगातार चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। यानी कि कम से कम ये हो, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट करके बता दिया करो कि कोई दिक्कत है या नहीं है, अच्छा लग रहा है तो बता दो कि अच्छा लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है तो बता दो कि फील अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक कर दो, आगे शेयर कर दो, कोई और देख लेगा तो कोई दिक्कत परेशान नहीं है आपको, कोई ये मत सोचा करो कि और पढ़ लेगा, अरे बहुत सारे पढ़ाने वाले सब पढ़ते हैं किसी न किसी के पास, ठीक है, तो आप शेयर कर दिया करो, इससे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है आपको। तो अब देखो हमारा भी हौसला बढ़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, उनको पढ़ाते वक्त तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है ज्यादा बच्चों में, अब क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन, वहां पे ज्यादा बच्चे होते हैं तो उस वक्त मतलब एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि ऐसा मन करता सारा दिन पढ़ाते रहे, और जब बच्चे कम होते हैं 5-10 बच्चे बैठे होते हैं तो उसमें थोड़ी सी बोरिंग फील होती है कि थोड़े ही बच्चे हैं, वो भी बोर हो जाते हैं, तो ज्यादा बच्चों में मजा अलग होता है, कंपटीशन बढ़ता है, आपको ही फायदा है, आंसर पे आंसर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आप जितने बच्चे जुड़ जाएंगे ना फिर जब लाइव क्लास चलाएंगे ना उसमें फायदा आपको, क्योंकि सारे साथ एक साथ जुड़ेंगे, फटाफट आंसर आएंगे, स्पीड इसकी ज्यादा होगी वही पेपर में आगे निकलेगा, तो स्पीड बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है देखो, एक आदमी एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, एक आदमी और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और उन्हें कुल 800 रुपए मजदूरी मिली, कुल कितनी मजदूरी मिली, 800 रुपए मजदूरी मिली, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया था, 800 रुपए मजदूरी मिली थी। फिर उसने कहा यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे, यानी आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे, लड़के से 3 गुना काम करे, तो
तो बताओ लड़के का दैनिक वेतन क्या होगा, लड़के का दैनिक वेतन क्या होगा, या वो और भी कुछ हो सकता है, आदमी का दैनिक वेतन क्या होगा, लड़के को कुल कितनी मजदूरी मिली, आदमी को कुल कितनी मजदूरी मिली, कुछ भी पूछ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो क्या है, उसने कहा है आदमी ए और लड़का बी, ठीक है भाई। तो जब मजदूरी के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये एक बात सोच रहा करो, जैसा काम वैसा दाम, सीधी बात है भाई, जितना काम करोगा उतना रुपयों मिला हो, तुम फ्री में आज का दिन कोई कुछ नहीं दे, ये बात मानते हो। तो देखो ए है बी है, आदमी लड़के से तीन गुना काम करता है, किससे, लड़के से। यदि लड़का एक ईंट उठा के रखता है तो आदमी कितनी रखता है, तीन। तो अब इसी हिसाब से आगे पैसे बटेंगे, इसी हिसाब से पैसे बटेंगे ना। तो उसने कहा 800 रुपए मजदूरी मिलती है, कितने दिन में, 5 दिन में। तो निकालेंगे एक दिन का वेतन, एक दिन का वेतन 800/5 कितना आ गया, वही काटते हैं तो 160 रुपए मजदूरी मिलती है उन दोनों को। दोनों को कितनी मजदूरी मिल रही है, 160 रुपए, कितने दिन में, एक दिन में, क्योंकि दैनिक वेतन पूछा है तो दैनिक वेतन एक दिन का होता है, कुल वेतन पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अब ए जमा बी दोनों मिलकर 4 ईंट उठा के रखते हैं, यानी 4 ईंट उठाने का मतलब है 160 रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, 4 ईंटों के हैं। तो लड़के ने तो एक ईंट रखी थी, उसका कितना है, एक ईंट रखी थी कितनी में से, 4 ईंटों में से, और कुल कितना आपका 160 रुपए, काट दो कितना आ गया आपका 40 रुपए मिले भाई। 40 रुपए किसको मिले, लड़के को मिल गए 40 रुपए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, आज दोबारा फिर बता रहा हूं, समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब, न आए तो डिसलाइक प्लस में अनसब्सक्राइब। और एक गलती आप क्या कर देते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन उसके बाद में बैल है ना उसको ऑन नहीं करते, नोटिफिकेशन को, तो उसको ऑन कर लिया करो ताकि वीडियो डलते ही आपको पता चल जाए कि नई वीडियो इस चैनल पर आ चुकी है। तो हम आज भी आपको ये कह रहे हैं हम लगातार आएंगे, ये नहीं है कि लोग और भी मान लो कोई भी दिक्कत आ जाती है किसी प्रकार की, आज ये 5 दिन आ रहे हैं, किसी को घर पे कुछ काम होगा, कोई कहीं पे चला गया तो वो चला जाएगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं अगर हमारे साथ एक बच्चा भी रहेगा साथ है, तो भी हम उसके लिए इसी तरह क्लास डालते रहेंगे, लास्ट तक चलेंगे, अगर वो जब तक वो हमारे साथ हम उसके साथ हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।